अरे रे रे, हमारा बच्चा पानी पिएगा। मेरा बच्चा प्यासा होगा, प्यासा होगा। आ, 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 आ। देखो कितना प्यासा था श्यामू। हाँ। अच्छा श्यामू, एक बढ़िया सा खूबसूरत सा इसका नाम बताओ, क्या होना चाहिए इस नए मेहमान का नाम? रस्टी। रस्टी, आज से इसका नाम रस्टी। प्यास बुझ गई इसकी। श्यामू, आज से इसकी देखभाल तुम करोगे। कहा साहब जी, कहते कहते हम बुढ़ाए गए साहब जी। इतने बड़े घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जो आपका अकेलापन दूर करे। मतलब? हमारा मतलब है आपकी शादी से आप घर में जानवर को ले आए। बनवारी काका, इंसान से ज्यादा वफादार और भरोसेमंद जानवर होता है, और हमें किसी की जरूरत नहीं। और आपसे किसने कह दिया कि हम अकेले हैं? आप हमारे साथ हैं, श्यामू हमारे साथ है कि नहीं? ये हमारा परिवार है, और आज से तो हमारा नन्हा मेहमान भी इस परिवार का सदस्य बन गया। अच्छा जी। रस्टी, ये आगे चलकर हमारी देखभाल भी करेगा और हिफाजत भी। मैं कर्नल अरविंद ठक्कर अपने पूरे होशो हवास में अपनी ये वसीयत लिख रहा हूं। मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद, इन्वेस्टमेंट्स, ये एस्टेट और बैंक सेविंग्स, मैं दो लोगों में आधा आधा बांटना चाहता हूं। एक मेरा कुत्ता, मेरा वफादार, मेरा बेटा रस्टी, और दूसरा मेरा गार्जियन, मेरा इकलौता साथी श्यामू। अगर इन दोनों को कुछ हो जाता है तो ये सारी जायदाद जाएगी मेरी भांजी पारुल, और पारुल किसी सूरत में इसे नहीं अपना पाए तो ये जायदाद बटेगी मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर कालीरमन और मेरे पड़ोसी मिस्टर मेहता के बीच आधी आधी। ये क्या पागलपन है मामा जी? मेरे होते आप अपनी सारी जायदाद इस कुत्ते और इस नौकर को दे रहे हैं? ये कुत्ता और ये नौकर, ये हर सुख दुख में साथ रहे हैं। तुम जैसे अपने उस समय मेरा साथ छोड़ गए थे, तब यही थे साथ। लेकिन अरविंद, एक जानवर को जायदाद का वारिस बनाना, जिसे तुम जानवर समझते हो ना, ये रस्टी मेरे बेटे जैसा है। मैं ज्यादा बहस नहीं चाहता, भटकल वसीयत की रजिस्ट्री करा के फौरन फाइनल करो। जी। Thank you.
आप लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। अजीत हमारे लिए चाय ला रहा है, कल हम इसके लिए चाय बना रहे होंगे। अजीत तुम तो इनके लॉयर हो ना, तुम इन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? रिलैक्स पारुल, मैं कर्नल साहब से बात करूंगा और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि रस्टी के लिए उनका लगाव एक जुनून है। रिलैक्स, डोंट वरी बेटा, मैं कुछ करूंगा। सीरियसली, भांजी के होते हुए 100 करोड़ की एम्पायर एक कुत्ते के नाम? नॉनसेंस। साहब, मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे आपकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। शट अप। मेरे बाद मेरी फैमिली वाले मेरे घर से तुम्हें बाहर निकाल देंगे और रस्टी को कैनल भेज देंगे। रस्टी की देखभाल तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। वादा करो कि तुम मेरे बाद रस्टी की पूरी देखभाल करोगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब, आपके और रस्टी के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? हाँ, हम तीनों एक दूसरे के लिए ही हैं। पर श्यामू, एक राज है जो मेरे और रस्टी के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं। कैसा राज साहब? अभी तुम्हें मार्केट जाना है ना, तुम मार्केट से लौट के आओ, फिर मैं आराम से बताता हूं, है ना रस्टी? अच्छा ठीक है साहब, मैं आपकी दवाई लेके आता हूं। ना, मेरी चिंता छोड़ो, मेरी देखभाल करने के लिए रस्टी है ना मेरे पास। अभी तुम जाओ और जाते हुए जरा ग्रामोफोन ऑन कर देना। ये भी मेरी तरह पुराना हो गया। क्या हुआ बेटा? चल तो रहा है। कौन है? कोई तो नहीं है। रस्टी चुप हो जा, चुप हो जा। तू तो मेरी जिंदगी था, और ऐसा क्यों किया?
किसने सोचा था कि कर्नल जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार समझते थे वही एक दिन उसकी जान ले लेगा। इसने इससे पहले भी कभी कर्नल पे हमला किया है? नहीं सर, रस्टी के लिए तो कर्नल साहब उसके भगवान थे, वो तो उनके लिए अपनी जान दे सकता था। तो ये जान देने वाला अचानक जान लेवा कैसे बन गया? जानवर को भला कौन समझ पाया? रस्टी किसी की जान नहीं ले सकता साहब, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, अपने मालिक की जान वो कभी नहीं ले सकता साहब। चुप कर जा, तू तो बड़ा हमदर्द बनता था ना, उस पर कहा था जब ये मेरे मामा जी की जान ले रहा था, कहा था तू? बेबसा मैं मार्केट गया हुआ था, मुझे क्या मालूम ऐसा सब कुछ होने वाला है। इंस्पेक्टर दवे, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे आप? कर्नल साहब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, अगर जांच में साबित होता है कि उनकी मौत कुत्ते के काटने से हुई तो हम इस कुत्ते को खुला नहीं छोड़ सकते, इस खतरनाक कुत्ते को सुला दिया जाएगा हमेशा के लिए। नहीं, किसी पर कोई पुलिस केस तो नहीं वाला इंस्पेक्टर? अब कुत्ते पर कैसा केस, पुलिस इसे एक हादसा समझकर फाइल बंद कर देगी। हाँ, अगर किसी इंसान से इसका कुछ लेना देना हुआ तो, बट आई डाउट, इट्स ए प्योर एक्सीडेंट। पकड़ो, किसका है? मेरा कमरा है सर। हवलदार, नीचे देखो क्या है। साहब ये जूते मिले अंदर से, ये तो कर्नल ठक्कर के शूज है। श्यामू, ये जूते तुम्हारे कमरे में कैसे? पता नहीं साहब। ये तो कर्नल साहब का पुतला है। कुत्तों को ट्रेन करने की किताब। चम, तुम इसे किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे थे? पता नहीं साहब। तो ये क्या है? स्कार्फ, टोपी, ये पाइप, क्या है सब? मेरे कमरे में ये सब कैसे है मुझे मालूम नहीं सब। और ये क्या है? मुझे नहीं मालूम सब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। क्यों आपको ऐसा लगता है कि शामू निर्दोष है? मिस्टर पाठक, मैं 20 साल से कर्नल ठक्कर का पड़ोसी हूँ। शामू तो क्या, शामू के बाप बनवारी को भी मैं अच्छी तरह जानता था। कर्नल ठक्कर ने शामू को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके लिए सब कुछ किया, यहाँ तक की जायदाद में भी 50% का वारिस बनाया। हाँ, और पुलिस का ये कहना है कि बाकी के 50% के लिए शामू ने रस्टी द्वारा कर्नल को मरवाया। कोई सबूत भी है उनके विरुद्ध? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि शामू ऐसा कर सकता है। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, बच्चा है वो, बच्चा। अच्छा, आप मेरी परवाह मत कीजिए किडी साहब,
बचाना है तो आप रस्टी को बचा लीजिए प्लीज, वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। उसकी दुनिया में बस दो ही लोग थे साहब, कर्नल साहब और मैं। कर्नल साहब की मौत के बाद तो मैं यहां जेल में आ गया, कौन दिख रहा होगा उसे, वो कुछ खाएगा भी नहीं, मर जाएगा साहब। किटी साहब प्लीज, मैं केस हारूं या जीतूं, रस्टी को आप अपने पास रख लीजिए, वो मेरे मालिक की इकलौती निशानी है और मैंने उनसे वादा किया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आप रस्टी को बचा लीजिए किड़ी साहब प्लीज, उसे कुछ नहीं होना चाहिए किड़ी साहब प्लीज। किड़ी जब से यहां लाए चुप, ना भौंकता है ना कुछ खाता है, संभल के किड़ी, एक आदमी की जान ले चुका है। यहाँ आने के बाद इसने किसी को काटा है? नहीं, वैसे तो बहुत शांत, अजीब बात है, लगता है शामू ने काफी टफ ट्रेनिंग दी इसे। दवे ये यहाँ इस तरह रहा बिना कुछ खाए पिए तो मर जाएगा, मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। लेकिन किड़ी बिना परमिशन के? कमिश्नर ऑफ पुलिस और एनिमल वेलफेयर बोर्ड दोनों का परमिशन। सो स्वीट, ये एकदम जॉइंट पप्पी डॉग की तरह है, कौन बोल सकता है कि ये एक आदमी का मर्डर करेगा? बोलेगा एक आदमी जिसकी आवाज सुनकर ये भी बेचारा चुप हो जाएगा। आज तक हमने अदालत में देखा है कि किसी ने गन से मर्डर किया, किसी ने गला दबाकर खून किया, किसी ने चाकू छुरी का इस्तेमाल किया, और अनगिनत चीजों से बहुत हुई है, कत्ल किया है इंसान ने, लेकिन ये पहला इंसान है योर ऑनर जिसका औजार कत्ल है एक कुत्ता। वाह शामू वाह, जानवर के अंदर के जानवर को जगाना तो कोई तुमसे सीखे यार। पर नहीं, पेपर। योर ऑनर, कई पेपर्स को इकट्ठा करके बनाई गई ये किताब, कुत्तों को ट्रेन करने की ये किताब। ये किताब मेरी नहीं है साहब। और ये जूते, ये स्कार्फ, ये पाइप, चालाक हो तुम शामू है, चालाकी से चुनी गई चीजों को सुंघवा कर तुमने इस कुत्ते को ट्रेन किया। मुझे कुछ पता नहीं है साहब। लेकिन मुझे पता है ना, मुझे पता है कि ये पुतला जो है यहाँ पे कर्नल ठक्कर का, उस पे उन्हीं का परफ्यूम छिड़क कर तुमने इस बेचारे कुत्ते को धोखा दिया। मौत का खेल शुरू हुआ इस पुतले से और खत्म हुआ असली इंसान पे है, ऐसे ही ट्रेन किया ना तुमने इस कुत्ते को शामू। साहब मैं कसम खा के कहता हूँ साहब। कसम की रसम बाद में निभा लेना मेरे भाई, पहले मेरी सुनो। पहले तुम्हारी सुनो। योर ऑनर, ये डिक्टा फोन। ये तुम्हारी आवाज, ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारी आवाज है कि नहीं? हाँ साहब, ये आवाज तो मेरी है, पर मैं रस्टी को तैरने के लिए ट्रेन कर रहा था। मैं उसे कह रहा था कि कर्नल को खुश कर, पानी में हाथ पैर मार, मैं तो यही कह रहा था, पर पता नहीं किसने उसे काट पीट कर मेरे बातों का मतलब बदल दिया। मतलब किसी ने नहीं बदला है शामू, मतलब को अंजान तक पहुंचाया है तुमने। तुम्हें क्या लगता है मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं जो तुम्हारे स्कूकार प्लांट को समझ ना सके? यू थिंक आई एम अ फूल? मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं? मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं? पाठक साहब, आप फिर इमोशनल हो गए जसवंत साहब। आप ही के शब्द हैं, मैं तो केवल इतना प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि जो बच्चा कह रहा है ठीक कह रहा है। ये आवश्यक नहीं कि जो हम सुने वो हमेशा सच हो।
कभी कभी सुनने में भूल भी हो जाती है। वैसे ये जो मैं अभी अभी सुन रहा था, ये काफी हद तक सच सच और झूठ ये हम दोनों के अंदर की बात, अगर हम कोर्ट के बाहर डिसाइड करें तो चले। ऑफ कोर्स। फिलहाल लेट्स कम टू द पॉइंट। योर ऑनर, मैं पाठक साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है पाठक साहब आपको, ये तो डेफिनेटली निर्दोष हैं आपके हिसाब से, तो कौन हो सकता है, कोई तो है जो इसको फंसा रहा है, कौन है? कमाल है जसवाल साहब, अब सीधे प्रथम सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गए। प्रश्न उचित है आपका कि कौन है वो, किसने फंसाया है इसे, किंतु उस प्रश्न तक तो पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे। आपको जब पहुंचना है तब पहुंचेगा, आपकी मर्जी, मैं तो पहुंच चुका। ऑफ कोर्स। एक ही सीडी है इस केस की, सिंपल सा केस है, 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ऑफ कोर्स। सीधी सी बात है पाठक साहब, कर्नल ठक्कर ने उनके जो विल के हिसाब से उनकी मृत्यु के बाद जायदाद के दो हिस्से किए थे, जिसमें से आधा जाता है शामू को और आधा उस कुत्ते को। कुत्ता नहीं, रस्टी। रस्टी। और जाहिर सी बात है कि शामू को रस्टी के साथ बंटवारा करना नागवारा था, इसीलिए उसने एक तीर से दो निशान किए। पहले कर्नल ठक्कर को मारने के लिए रस्टी को ट्रेन किया, कर्नल ठक्कर की मौत, रस्टी को सजा, और 50% से सीधे 100% के मालिक बन गए शामू उर्फ श्यामलाल रस्तोगी। तो ये बताइए जसवाल साहब, अगर कर्नल साहब के जाने के बाद उनकी जायदाद शामू और रस्टी में बटे हैं, और उस जायदाद को पाने के लिए कोई तीसरा इन्हें फंसाए, क्या ये संभव है या नहीं? एक तीर से तीन निशान है, बिल्कुल ठीक है। बड़े तीरंदाज हैं आप, अंदाजा किस और है, क्या लगता है कौन होगा ऐसा व्यक्ति? बैड बॉय मिस्टर जायसवाल, आजकल आप होमवर्क करके नहीं आते अदालत में, लगता है आपने वसीयत ठीक से पढ़ी नहीं। कर्नल ठक्कर की वसीयत में तीसरा दावेदार भी है, उनकी भांजी पारुल। मामा जी के पैसों के लिए क्या मैं शामू को फंसाऊंगी? जी हाँ। चलो ये मान के चलते हैं कि आप ही ने शामू को फंसाया। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब मकसद और अंजाम तक तो मैं ही पहुंचाने वाला हूँ इस बार। फिलहाल ये समझ के चलते हैं कि आप ही ने ठक्कर साहब की सारी चीजें शामू के कमरे में रखी, शामू को फंसाया, ये भी ठीक है, लेकिन कुत्ते को किसने फंसाया पाठक साहब? Your Honor, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है ठक्कर साहब की, जिसमें साफ लिखा गया है कि उनकी मौत रस्टी के दांतों द्वारा जख्मी होने से हुई। तो ये रस्टी को पारुल ने ट्रेन कब किया? आप पारुल जी, आप तो ठक्कर साहब की कोठी से बहुत दूर शायद बड़ोड़ा में रहती है, राइट? जी जी हाँ। तो फिर योर ऑनर, क्या पारुल जी ने रस्टी को कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा ट्रेन किया? Order, order. I'm serious. मैं मजाक नहीं कर रहा। ये तो शायद आप भी जानते होंगे पाठक साहब के कुत्ते को ट्रेन करना, वो भी इस कदर कि वो किसी की जान ले ले, तो एक दो दिन का काम नहीं है, महीने लग सकते हैं इस काम में। और इतना समय और इतनी सुविधा सिर्फ दो लोगों के पास थी, एक तो ठक्कर साहब और दूसरा शामू। ठक्कर साहब तो अब रहे नहीं, यानी कि एक ही शख्स हो सकता है और वो शामू। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाया है साहब, कोई राज है जो। कौन सा राज? कर्नल ठक्कर मुझे कह रहे थे कि एक राज है जो सिर्फ वो और रस्टी जानते हैं। एक राज है जो मेरे और रस्टी के अलावा और कोई नहीं जानता, और मुझे उस बारे में बताने वाले थे, पर तुम यहाँ पे कुछ ना बता के कोर्ट को अदालत को गुमराह कर रहे हो, कोई राजबाज कुछ भी नहीं है साहब। अब मुझे जेल में डाल दीजिए, रस्टी को छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए प्लीज। कहाँ जाने दे, क्यों जाने दे और किस लिए जाने दे शामू? जितने गुनहगार तुम हो उतना रस्टी भी, चाहे इंसान हो या चाहे जानवर, कानून सबके लिए एक ही होता है। योर ऑनर, ये सच है कि कर्नल की मृत्यु रस्टी के काटने से हुई, किंतु जानवर चाहे कितना पालतू हो, शांत स्वभाव का हो, किसी बाहरी प्रतिक्रिया से उसका व्यवहार बदलना कोई असंभव बात नहीं। कितनी बार हमने सुना है कि किसी पालतू कुत्ते ने उसके मालिक को काटा। यह आवश्यक नहीं योर ऑनर
कि रस्टी को कुछ सिखाया गया हो या उसे उकसाया गया हो। पाठक साहब, पिछले 7 सालों से एक रूटीन था ठक्कर साहब के घर में। रोज रात को वो अपने ग्रामोफोन पे अपना मनपसंद ऑपेरा म्यूजिक सुनते थे और ये कुत्ता रस्टी उनके पैरों के पास शांति से लेटा रहता था। फिर अचानक उस रात को ऐसा क्या हुआ कि ये कुत्ता इतना खौफनाक बन गया और जाके ठक्कर साहब को उसने अटैक किया, उसको मार डाला। नहीं है ना जवाब आपके पास? मैं आपको बताता हूं, इस मासूम चेहरे के पीछे जो आपको धोखा दे रहा है उसकी असलियत क्या है, आई लेट यू नो। योर ऑनर, विथ योर काइंड परमिशन। परमिशन ग्रांटेड। जसवाल साहब, रस्टी वहां बैठकर अपनी पूंछ हिला रहा है, क्या साबित किया आपने? मेरा साबित करना अभी बाकी है पाठक साहब, सो प्लीज डोंट इंटरफियर विल यू प्लीज। जब आपने टोकी दिया तो एक काम कीजिए, अब आप ऑर्डर दीजिए। एक्सक्यूज मी, दीजिए ना ऑर्डर इसे। योर ऑनर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, केस की तय तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है, सो प्लीज आस्क पाठक साहब टू कोऑपरेट, विल यू? ओके रस्टी, गुड बॉय, चलो जरा जयसवाल साहब को काटो। मजाक नहीं कर रहा हूं, बोलिए इसे कि कर्नल को काटे। कौन? चल पाठक साहब, ऑर्डर हिम। कर्नल को काटो रस्टी। नहीं सुना आपका। योर ऑनर, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऑर्डर दे रस्टी को कि वो कर्नल ठक्कर के इस पुतले को मारे, काटे। योर ऑनर, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऑर्डर दे रस्टी को कि वो कर्नल ठक्कर के इस पुतले को मारे, काटे। मिस्टर जायसवाल, आप मुझे प्लीज, ये मैं जो साबित करना चाहता हूँ उसके लिए बहुत जरूरी है, आई रिक्वेस्ट योर ऑनर प्लीज। रस्टी मार, कर्नल को मार। काटो, काटो रस्ते, काटो। इससे साबित क्या हुआ मिस्टर जायसवाल? योर ऑनर, आई एम जायसवाल डिफेंस और जज, इन तीनों की बात इस कुत्ते ने नहीं मानी। सिवे के इंसान है जिसकी बात शायद रस्टी मान सकता है और वो है शामू। शामू, ऑर्डर दो रस्टी को कि वो कर्नल ठक्कर को मारे, उसे काटे। नहीं साहब, नहीं साहब, यू हैव टू ऑबे माय ऑर्डर्स। मैंने कहा ना तुमसे, ऑर्डर दो उसको। मिस्टर शामू, रस्टी कर्नल को मार। और जोर से, रस्टी कर्नल को मार, मार कर्नल को रस्टी। मिस्टर जायसवाल, स्टॉप दिस। अब समझ में आया पाठक साहब आपको कि क्या साबित करना चाहता था मैं? योर ऑनर, किसी की नहीं मानी रस्टी ने, सिर्फ इसकी मानी। क्यों? इससे यह साफ जाहिर है कि उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। Thank you.
मार रस्ती मार। गुड बॉय, गुड बॉय रस्ती। एडी सब, बहुत मुश्किल से रस्ती को वापस लेकर आ रहा है। सदैव तो इसे छोड़ ही नहीं रहा था। बस सर, आपको सीरियसली लगता है कि ये कुत्ता हमारे पास रह सकता है? ओके सर। हेलो, हाँ शिफाली, 17 मिस कॉल्स। अरे शिफाली, मैं कोर्ट में था, मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। शिफाली, तुम खामखा परेशान हो रही हो और मुझे भी। अरे तुम मुझे परेशान नहीं कर रही हो, मैंने ये कब कहा। हाँ हाँ बाबा, हम लोग शाम को मिल रहे हैं। ओके बाय। रस्सी, रस्सी, नो नो रस्सी, रस्सी, रस्सी मूव, रस्सी मूव, रस्सी स्टॉप, रस्सी। आज तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। How sad! ये मज़ल की वजह से इसके फेस पर रैशेस आ गए हैं। अचानक इसका मूड क्यों बदल जाता है? वरुण, इसने तुझ पर हमला किया, इसका अर्थ यही होता है कि ये शामू की बात से नहीं किसी और बात से खूंखार बनने पर उतारू हो जाता है। आखिर वो बात क्या है? उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, पुलिस ढूंढ रही है उस गाड़ी को। कर्नल ठक्कर मुझे कह रहे थे कि एक राज है जो सिर्फ वो और रस्टी जानते हैं। अदालत में शामू का बयान और कर्नल का ये कहना कि उसके अलावा सिर्फ रस्टी किसी राज के बारे में जानता है, ऐसा तो नहीं कि उसी राज को जानने के लिए कोई रस्टी को अगवा करना चाह रहा है। सब ये कुत्ता भला क्या राज जान सकता होगा? ए रस्टी, कौन सा राज जानता है तू? इसके बेल्ट में क्या है? ये चाबी कहाँ की हो सकती है? सी बहुत ही छोटे से ताले की चाबी है, उस तरह के ताले जैसे हम लोग सूटकेसेस पर लगाते हैं या फिर लॉकर्स पे, जिम लॉकर, बैंक लॉकर। केडी, तुम ताला ढूंढो, मैं वरुण को लेके जाती हूँ डॉक्टर कैर्सी के पास। मेरे डोबरमैन्स मिनी और टाइनी ना उसके ही पेशेंट्स हैं। ओके मिसेस बिलमोरिया। एडी, पूरा घर छान मारा लेकिन ये चाबी किसी ताले को नहीं लगती। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस चाबी का कर्नल के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं। दवे, अगर चाबी बनी है तो इसका ताला भी बना होगा। आई थिंक ये किसी बाहर के लॉकर या ताले की चाबी है।
दबे वो कारपेट देख रहे थे? हाँ, क्या खास बात है इस कारपेट में? कारपेट में नहीं, कारपेट पे 1.5 फुट की दूरी पर किसी चौकोर वस्तु के रखे जाने के निशान। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं उसके पांव भी 1.5 फुट की दूरी पर है। ये क्या है? Come baby, come sweet too. What a well-behaved dog ना? डॉक्टर कैल्सी के क्लिनिक पर कितना चुपचाप बैठा था और वो छोटा सा पप्पी से कैसा डर गया ना? You're such a good boy. You're hungry? हाँ? Rusty, eat your food. वसीयत है ये तो। एक और वसीयत? हाँ, लेकिन इसकी डेट उस वसीयत के बाद की है, यानी कि नई वसीयत। और इसमें कर्नल ठक्कर ने अपनी संपत्ति 3 हिस्से में की है, रस्टी, शामू और तीसरा हिस्सा। ये तीसरा पर्सन कौन है? कोई मिस मीरा भगत है। नो नो, नहीं तो पहली बार सुन रहा हूं ये नाम। कौन है मीरा भगत? कौन नहीं, क्यों है मीरा भगत? अरे रस्ती, सूंघ क्या रहा है? तेरा फेवरेट खाना है, खा ले खा ले खा ले। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।